बात विराट कोहली की कर लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली हर मैच के साथ कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बना रहे होते हैं या कुछ बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं। अब जो टेस्ट मैच की जो सीरीज शुरू होने वाली है विंडीज के खिलाफ, वहां भी विराट कोहली के निशाने पर कई रिकॉर्ड होंगे। क्या वो रिकॉर्ड है और विराट कैसे उनको तोड़ सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। विराट लगाएंगे पॉन्टिंग पर निशाना, वेस्ट इंडीज में विराट करेंगे पॉन्टिंग को पस्त। कोहली के नाम जुड़ेगा एक और विराट रिकॉर्ड। वनडे के बाद अब टेस्ट में दिखेगा कोहली का टशन। सफेद जर्सी में विराट ढाएंगे वेस्ट इंडीज पर सितम। टेस्ट में मुकाबले कड़े होंगे। टेस्ट चैंपियनशिप सही कदम है और बेहद सही समय पर उठाया गया है। लोग बातें कर रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट रोचक नहीं रहा या मर रहा है। मेरी नजर में पिछले कुछ सालों में टक्कर दोगुनी हुई है। अब ये खिलाड़ियों पर है कि वो इस चुनौती को स्वीकार करें और जीत दर्ज करने की कोशिश करें। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट के टारगेट पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग भी रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ विराट T20 और वनडे की तरह ही टेस्ट में भी वेस्टइंडीज को बेदम करने उतरेंगे, तो साथ ही कोहली की कोशिश वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैच में 2 शतक जड़कर पॉन्टिंग के उस रिकॉर्ड को तोड़ने की भी होगी जो रिकी पॉन्टिंग ने अपनी कप्तानी के दौरान बनाए थे। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने कुल 25 शतक लगाए हैं, जिसमें से बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में विराट के बल्ले से 18 शतक निकले। ऐसे में विराट अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1 शतक जड़ते हैं तो वो पॉन्टिंग के बतौर कप्तान 19 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ले और तब कोहली पॉन्टिंग के 19 शतकों के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। टेस्ट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 25 शतकों का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ग्रैहम स्मिथ के नाम है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे T20 में विराट ने 59 रनों की पारी खेली थी, तो वनडे सीरीज में विराट ने 234 की बेहतरीन औसत से 234 रन बनाए और वनडे सीरीज की 2 पारियों में कोहली ने 2 शतक जड़े। वेस्टइंडीज में खेले 60 टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 36.33 की औसत से 327 रन बनाए हैं, जिसमें विराट का बेस्ट स्कोर 200 रन का है और 200 रन की ये पारी विराट ने 2016 में एंटीगा टेस्ट में खेली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक खेले 12 टेस्ट मैच में विराट ने 45.73 की औसत से 686 रन बनाए हैं, जिसमें विराट ने 2 शतक और 3 अर्धशतक लगाए हैं। मनी सर, एक और रिकॉर्ड विराट कोहली के सामने, वैसे तो हर सीरीज हर मैच के साथ अब तो नए नए रिकॉर्ड उनके नाम आते जा रहे हैं, बट कैप्टेंसी में इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शायद वो भारतीय क्रिकेट ने कभी देखी नहीं थी जो विराट कोहली ने दिखाई है। देखिए, विराट कोहली ने एक चीज़ दिखाई है कि उनके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है, जितना उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाता है। ये उन चंद खिलाड़ियों में से हैं जिसको प्रेशर पसंद है, प्रेशर सिचुएशन में जाके रन्स बनाना पसंद है। ये भी एक नशा है, क्योंकि आप जब प्रेशर सिचुएशन में रन्स बनाते हैं, जो आपको प्यार मिलता है, जो आपको एडुलेशन मिलती है, जो आपको तारीफ मिलती है, उसका मज़ा आना शुरू हो जाता है और फिर आप उस तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं और अपनी ताकत पूरी उस तरफ लगा देते हैं। विराट कोहली जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे बैट्समैन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि पहले हम सचिन तेंदुलकर के बारे में ये बात कहा करते थे और फिर जब सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक लगा लिए तो हम सोचते थे अब ये कौन कर पाएगा, लेकिन विराट कोहली ने बता दिया कि ये कोई वो ऐसा रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का जो कि तोड़ा जा सकता है। और जहाँ तक टेस्ट मैचेस का सवाल है, एज अ कैप्टन सेंचुरीज का सवाल है, मुझे लगता है कि ग्रैहम स्मिथ की सबसे ज़्यादा 25 सेंचुरीज है एज अ कैप्टन, ये वो भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। मनीष सर, हम एशेज की अगर मैं बात करूँ तो स्टीव स्मिथ वहाँ आए, बर्मिंघम में उन्होंने बैक टू बैक 100 लगाए बोथ इनिंग्स में, और अगर लॉर्ड्स की बात करूँ वहाँ 92 रन स्कोर किए, फिर सेकंड इनिंग में तो इनफैक्ट वो बैटिंग करने आए नहीं और थर्ड टेस्ट में भी वो नहीं खेलेंगे, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बड़ी, उन्होंने 1 साल के गैप के बाद आए टेस्ट क्रिकेट में और उसको बड़ा क्लोज करने की कोशिश की, पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम रह गया दोनों खिलाड़ियों के बीच में। आपको लग रहा है कि वनडेज में शायद विराट को कोई पकड़ ना पाए, लेकिन टेस्ट मैचेस में स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बीच में एक रेस तो चल रही है। देखिए, स्टीव स्मिथ 30 साल के हो चुके हैं, विराट कोहली भी 30 साल के, दोनों की लगभग उम्र एक जितनी है। ये डिपेंड करेगा कि फिटनेस किसकी ज़्यादा रहती है। ऑस्ट्रेलिया में हमने अमूमन देखा है कि किसी खिलाड़ी की अगर लय बिगड़ती है या वो नीचे जाना शुरू करता है अपनी परफॉर्मेंसेज में, तो फिर वो रिटायरमेंट की सोचने लगते हैं या बल्कि उनका बोर्ड ही उनको कहने लग जाता है कि अब आप रिटायर कर जाइए। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हमारे हीरोज हैं, आप देख लीजिए, 38 साल के हो गए हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनसे उस तरह से मैचेस फिनिश नहीं किए जा रहे, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि वो खेलते रहें। सो इंडिया में एक एडवांटेज विराट कोहली के पास रहने वाला है आने वाले टाइम में, कि अगर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम भी होती है, फिर भी हम चाहेंगे कि वो खेलते रहें। लेकिन ये रेस अच्छी है, मुझे लगता है ये कॉम्पिटिशन किससे बेहतर प्रदर्शन कराता है, ऐसे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करा देता है। और तारीफ करनी होगी स्मिथ ने, जिस तरह से 1 साल के बाद वापसी की, दोनों 2 शतक लगाए पहले ही टेस्ट मैच में जो वापसी में उन्होंने लगाए, सो वो भी क्लास प्लेयर है, 60 के ऊपर के औसत से रन्स बनाए हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये हेल्थी कॉम्पिटिशन है विराट कोहली और स्मिथ के बीच। मनी सर, वनडे सीरीज में जिस तरीके से बैक टू बैक 100 विराट कोहली के बल्ले से निकले, आपको लग रहा है क्योंकि
मैं अगर पुजारा की बात करूंगा कि वो अभी आए हैं क्योंकि टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, या रहाणे टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, या मयंक अग्रवाल आए हैं टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन विराट पहले से ही वेस्ट इंडीज में है, पहले से ही कैरेबियन में है, तो इसका भी फायदा मिलेगा क्योंकि आपने दो शतक लगाए वनडे सीरीज में बैक टू बैक, और अब आप कंटिन्यू करने जा रहे हैं टेस्ट मैचेस। और खास बात यह भी है जो विराट कोहली ने भी कही कि टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो रही है तो उसका भी एक क्रेज है। विराट कोहली मुझे लगता है कि आप उनको कोई भी कंडीशंस दे दीजिए इस समय, क्योंकि एक बार 2013-14 में जब वो 5 टेस्ट मैचेस में 10 इनिंग में केवल 134-135 रन बना सके थे इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लिश कंडीशंस में, और उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की है और जब फॉरेन दौरे पर जाते तो एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि अब वो बात कोई ना कहे जो 2013-14 में उनके लिए कही गई थी जब वो इंग्लैंड में थे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के बैट से आप टेस्ट मैचेस में भी शतक बनते हुए देखें। बिल्कुल, जितने भी मौके मिलते हैं उसको ग्रैब करते हैं विराट कोहली, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, जिस तरीके की कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल वर्ल्ड क्रिकेट के तो टॉप पर है विराट कोहली।